आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। रबी मार्केटिंग सीजन में गेहूं की औपचारिक सरकारी खरीद आगामी 1 अप्रैल से चालू हो जाएगी, जिसके लिए खाद्य मंत्रालय के साथ संबंधित सभी गेहूं उत्पादक राज्यों में तैयारियां पूरी कर ली गई है। लेकिन अनाज मंडियों में इस बार गेहूं की खरीद के लिए सरकार को मशक्कत करनी पड़ सकती है, क्योंकि देश की ज्यादातर गेहूं उत्पादक मंडियों में कीमत केंद्र सरकार के घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP के मुकाबले अधिक बोली जा रही है। यह स्थिति किसानों के साथ सरकार के लिए भी लाभ प्रभात साबित हो सकती है। किसानों को जहां उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त होगा, वहीं खाद्य सब्सिडी को घटाने की मदद मिल सकती है। चालू रबी सीजन में फसलों की बंपर पैदावार की उम्मीद लगाई गई है। गेहूं की पैदावार 11.13 करोड़ टन होने वाली है, जिसमें से 4.44 करोड़ टन सरकारी खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह कुल पैदावार का तकरीबन 40% है, वहीं जबकि पिछले साल रबी मार्केटिंग सीजन में कुल 4.33 करोड़ टन गेहूं की सरकारी खरीद की गई थी। सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ किसानों के हितों के मद्देनजर जरूरत से ज्यादा गेहूं व चावल की खरीद करती है। इसके चलते खाद्य सब्सिडी सालों साल लगातार बढ़ रही है। वहीं दरअसल खुले बाजार से निजी प्रतिष्ठानों के दूर रहने से भी सरकार पर गेहूं व चावल की खरीद का दबाव पड़ता है। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ा युद्ध भारत के किसानों के लिए एक सुनहरा मौका बनकर सामने आया, जिससे वैश्विक बाजार में खाद्यान्न की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। वहीं सप्लाई टूट चुकी है। यूक्रेन और रूस से गेहूं का निर्यात ठप होने से भारत गेहूं की निर्यात मांग में इजाफा हुआ है। लिहाजा 21 मार्च 2022 तक कुल 70 लाख टन से अधिक गेहूं का निर्यात किया जा चुका है, जो अब तक का सर्वाधिक है। आगामी महीनों में निर्यात मांग के बने रहने से घरेलू मंडियों में गेहूं का भाव चढ़ा हुआ है। अभी गेहूं की MSP 2015 रुपए है, जबकि मार्च के अंतिम सप्ताह में इंदौर में गेहूं का मूल्य 2015 रुपए से 2462 रुपए प्रति क्विंटल था। गुजरात के अमरेली मंडी में गेहूं का भाव 2350 रुपए था। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में 2160 से 2500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की उरई मंडी में ये 2100 रुपए और पंजाब में 2100 से 2500 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। गेहूं के बड़े मूल्य का सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। निर्यात मांग को देखते हुए देश की प्रमुख अनाज मंडियों में निजी व्यापारिक प्रतिष्ठान सक्रिय हो चुके हैं, जिससे कीमतों के नीचे आने की संभावना नहीं के बराबर दिख रही है। इसके लिए सरकार को भी अपनी जरूरतों के लिए MSP से आगे बढ़कर खरीद करनी पड़ सकती है। कृषि क्षेत्र के लिहाज से यह आदर्श स्थिति हो सकती है। वहीं चालू सीजन में पंजाब ने 1.32 करोड़ टन, मध्य प्रदेश ने 1.29 करोड़ टन, हरियाणा ने 80 से ज्यादा लाख टन, वहीं उत्तर प्रदेश ने 60 लाख टन और बिहार ने 10 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इन राज्यों ने अपने यहाँ खरीद केंद्र की संख्या और अन्य तैयारियों का ब्यौरा केंद्रीय खाद्य मंत्रालय को सौंप दिया है। गेहूं खरीद के लिए राज्य को धान के आवंटन भी कर दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में सरकारी खरीद केंद्र मार्च के अंतिम सप्ताह में ही चालू हो चुके थे। वहीं उत्तर प्रदेश ने पिछले सप्ताह राज्य भर में 6000 खरीद केंद्रों की स्थापना की घोषणा भी कर दी है। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।